चलो बच्चों, आइए फिनिश करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 5.1। दो क्वेश्चन रह गए हैं, फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड 3 times है उसकी शॉर्टेस्ट साइड के, एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than the longest side। और जो थर्ड साइड है वो क्या 2 centimeter shorter है longest side से, right? If the perimeter of the triangle is at least 61, perimeter कम से कम 61 हो, find the minimum length of the shortest side। minimum length निकालनी है। अब कई बार ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ लेट किसको करा जाए। देखो जिनको तो आता है उनके तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो कंटिन्यू कर भी सकते हैं, पर जिनको नहीं आता वो ये बात ध्यान से सुने कि लेट किसको करा जाए या आइडेंटिफाई कैसे करे। एक बहुत सिंपल पहचान है बेटा, किस चीज से कंपेयर कराए, बात किसी करिए लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, कंपेरिजन किससे कराए शॉर्टेस्ट साइड से, राइट? तो क्या करो, जिससे कंपेयर करे उसको एक्सलेट कर लो। तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट एक्स सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी 3 times यानी 3x। आगे एंड थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than the longest। थर्ड साइड जो है 2 centimeter कम है, थर्ड साइड 2 centimeter कम है किससे, शॉर्टेस्ट से, सॉरी लॉन्गेस्ट से, यानी 3x-2। आगे इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, पेरीमीटर कितना है एटलीस्ट 61, एक्स प्लस 3x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, राइट? फाइंड करनी मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ निकालनी शॉर्टेस्ट साइड की, x 3x 3x 7x, इसको यहां भेजो, इज ग्रेटर देन इक्वल 63। एक्स क्या देगा 63/7, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, राइट? एक्स क्या आया 9 या 9 से बड़ा, ये तो मीनिंग हुआ। तो मिनिमम लेंथ क्या हुई शॉर्टेस्ट की, देयरफॉर मिनिमम लेंथ कितनी हो गई ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 centimeter। आगे लास्ट क्वेश्चन, अ मैन वांट्स टू कट 3 lengths फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 centimeter। अ मैन वांट्स टू कट 3 lengths फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 centimeter। एक बोर्ड है, बोर्ड क्या हिंदी में बोलते हैं, लकड़ी का फट्टा, ठीक है, यानी लकड़ी का एक पीस है जिसकी लेंथ है 91। अब एक आदमी को उसमें से 3 cut करने हैं, 3 parts बनाने हैं, कैसे ले सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 centimeter longer than the shortest। सेकेंड लेंथ 3 centimeter ज्यादा होनी चाहिए शॉर्टेस्ट से, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी 2x-long as द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ 2x, double होनी चाहिए शॉर्टेस्ट के। वट आर द पॉसिबल लेंथ, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। किससे लेट करूंगा बेटा, शॉर्टेस्ट से कंपेयर कराए तो लेट करूंगा, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट x। अब वो क्या कहता है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 centimeter longer देन द शॉर्टेस्ट। सेकेंड लेंथ 3 centimeter ज्यादा होगी, सेकेंड लेंथ हो जाएगी x प्लस 3,
आगे एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. थर्ड लेंथ ट्वाइस हो जाएगी यानी डबल शॉर्टेस्ट के, दैट इज 2x सेंटीमीटर. यहां तक क्लियर होगा. व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. इस लाइन को समझो. इफ द थर्ड पीस, अगर तीसरा पीस इज टू बी एटलीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा हो, किससे? 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, सेकेंड वाले से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा हो. इसको समझते हैं. थर्ड यानी 2x क्या हो जाए, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे बड़ा? सेकेंड से. सेकेंड क्या है? x प्लस 3. कितना बड़ा? 5. इस बात को दोबारा समझाता हूं. ये कैसे बनाएंगे इनइक्वालिटी? थर्ड पीस बड़ा करना है तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे करना है बेटा? सेकेंड वाले से, वो भी कम से कम 5, यानी सेकेंड वाले में 5 ऐड कर दो. सॉल्व करो इसको. यहां करा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8. आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया. क्वेश्चन ने भी डिमांड क्या करी है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, लेंथ हो क्या कर सकते, लेंथ हो क्या सकती है? अब आप बोलोगे क्यों बेटा, एक पॉइंट और भी है. अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. एक बोर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है? 91 सेंटीमीटर. इसमें से 3 पीस कट मारने हैं, 1, 2, यानी इन तीनों का जो टोटल है x प्लस 3 प्लस 2x वो क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 91 होगा. आप में से कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर x प्लस 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 91. कई के दिमाग में ये पॉइंट आया होगा. बेटा यही तो कैच है यहाँ पर. एक बात बताओ, क्या एक कसम है, क्या एक कसम है कि मैंने पूरा का पूरा पीस ही काटना है, पूरा बोर्ड कटिंग करूंगा? ये भी तो हो सकता है, मैं इतना पीस काट लूँ, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, और ये मेरे काम का ही नहीं है. अब इसको रख लिया, बोलो पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, क्योंकि उसने कहा उसमें से कट करना है. ये थोड़ा ना कि पूरे के पूरे ही कट कर देना है, कि 91 का 91 ही यूज करना है. तो खैर वापसी आते हैं. इसलिए क्या हुआ, लेस देन इक्वल्स टू 91, मतलब कि या तो तीनों के लेंथ 91 होगी, ये 91 से छोटी, 91 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है. तो एक्स एक्स 2x 4x 3 इधर आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 88. एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 22, राइट? अब दोनों को एक साथ लिखो, कैसे लिखोगे? x क्या होगा यहां पर है ग्रेटर देन, x बड़ा है इक्वल्स टू 8, यहां 22 से छोटा है. इस पॉइंट को जरा फोकस करना बेटा. अगर मैं इस तरह लिख रहा हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, अगर x यहां लिखूं 8 यहां लिखूं, अब खुद बताओ x की तरफ कौन सा साइन आएगा, ऐसे वाला, ये वाला, ये वाला, फर्स्ट या सेकेंड? सोचो ऑटोमेटिकली, इतनी कॉमन सेंस है, सर जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, तो ये सिंबल आएगा, यही यहाँ पे लगाया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8. अच्छा जी, फिर 22 से छोटा है, इज लेस देन इक्वल्स टू 22. अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है. इसको रीडिंग का वे क्या होता है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है बहुत गलतियां करते हैं. इसको रीड करते हैं 8 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 22. टोटली गलत, टोटली रॉन्ग. क्या रीड कैसे करना है बेटा? सेंटर से शुरू करना है रीडिंग. क्या एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 लेस देन इक्वल्स टू 22. एक्स 8 या 8 से बड़ा हो, 22 से छोटा हो, ये था. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉसिबल लेंथ, पॉसिबल लेंथ क्या होगी, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड लेस देन इक्वल्स टू
22 सेंटीमीटर। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट आपकी इच्छा। बाय बाय।